हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में एग्ज़ाम का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज। हर बच्चे के अंदर ये होता है कि वो अपने परीक्षा को बहुत अच्छे से दे और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आए। हम जो भी साल भर में प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें परीक्षा के माध्यम से ही मिलता है। हालांकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और मार्क्स पाने की रेस अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं उस हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आते तो वो तनाव में पहुंच जाते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर छात्र का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और वैसे रूटीन भी अलग अलग होता है। कई लोग सेशन शुरू होते ही पढ़ाई में लग जाते हैं और कई लोगों के अंदर कभी कभी ऐसा भी फीलिंग आता है कि क्यों ना हम एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ें। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरे साल पढ़ाई नहीं करनी होती, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जब एग्ज़ाम आने वाला होता है और अंतिम समय बचता है तो उन्हें पढ़ाई करने का मन करता है कि चलो पढ़ लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं और घबरा जाते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस क्या होता है, किस तरह से पैदा होता है और इसका निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंत समय में ऑल ऑफ द सडन आपने जो प्रेशर लेकर के रखा हुआ है एग्ज़ाम का, वही है एग्ज़ाम प्रेशर, जिसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि तैयारी में कमी, आपने अच्छे से मेहनत नहीं करी, आप एंड टाइम पे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। दूसरा, माँ बाप और टीचर की बच्चों से उम्मीद। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और हम उस स्ट्रेस में होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरे ना उतर पाएं। तो ये हमें बात अंदर से झिझोड़ देती है, हम घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ ने जो मेरे से एक्सपेक्ट किया है वो मैं ना कर पाऊँ और मेरे मार्क्स कम आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो इस तरह की सोच हमें स्ट्रेस में डाल देती है। कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे खुद की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब हम ये सोच के बैठते हैं, नहीं सुन सोनू, तुझे तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करना है, अगर तूने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया ना तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, और कभी कभी ये प्रेशर हम अपने आप पे खुद डाल रहे होते हैं, तो वो प्रेशर हमें मजबूर कर देता है स्ट्रेस लेने पर। बार बार वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमारा दिमाग एक तरीके से बंद जाता है हमारे थॉट्स में, और उन थॉट्स को हम दूर नहीं कर पाते जो स्ट्रेस में बदल जाता है। चौथा पॉइंट है, एकदम से जो रूटीन में बदलाव आता है वो भी कभी कभी समस्या का कारण बनता है। कई बार टाइम टेबल बदल जाते हैं, ऑल ऑफ द सडन कुछ इशू आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई और हम सुबह पढ़ते थे लेकिन हमको शाम में पढ़ना पड़ रहा है किसी इमरजेंसी की वजह से, तो भी तनाव आना बहुत आम सी बात है। अब सोचा ये जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका निवारण क्या है और एग्ज़ाम स्ट्रेस को हम कैसे दूर करें। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पर, वो है सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ बहुत ज़्यादा नया समझने की कोशिश करना। अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है और आपको 3 चैप्टर तैयार हैं जबकि आपके एग्ज़ाम में 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप वो 2 नए चैप्टर ना उठाएं जिनको आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़े, इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि उसके चक्कर में आप अपने पिछले 3 सेशंस को भी बर्बाद कर रहे हैं जो आपको आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो सॉल्यूशन है आपके लिए, वो है बार बार ब्रेक लें। एक साथ कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, हमारा दिमाग टायर्ड हो जाता है और हमें बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। हमारी बॉडी की भी एक लिमिट होती है, वो बहुत देर तक एक ही पोस्चर में अपने आप को नहीं रिटेन कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ब्रेक लेना है। हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ा हमने, हमने बोला मम्मा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, थोड़ी देर बाहर टहल लेते हैं, नेचुरल हवा खा लेते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, आप रिफ्रेश फील करोगे, आपका बॉडी का पोस्चर चेंज होगा और आपको थोड़ा सा बेहतर फील होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप कैफीन का सेवन करें। एग्ज़ाम के दौरान कई स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। कैफीन आपकी बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ाता है जिससे अस्थायी रूप से आपका मूड अच्छा हो जाता है, तो कॉफ़ी
या थोड़ी सी चाय अगर आप ले रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने शरीर से थकावट को दूर भगा सकते हैं, आप डिप्रेशन को कम फील कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत अच्छी है, बोलते हैं ना मन चंगा तो सब चंगा, लेकिन उस मन को चंगा कैसे किया जाए? जब आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो आपका मन अपने आप चंगा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को खुश रखें और सकारात्मक समझें। सकारात्मक जब तक आप नहीं होंगे, सकारात्मक जब तक आप नहीं रहेंगे, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हमारे थॉट्स हमारे ऊपर बहुत गंदा प्रभाव डालते हैं और बहुत अच्छा भी। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे थॉट्स अच्छे होंगे तो हम अच्छे होंगे। हमारे थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो हमें हमारे आसपास की सारी चीज़ें बुरी लगेंगी। आई होप कि आप लोगों को ये जो मोटिवेशन था वो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग इन सारी चीज़ों पे ज़रूर काम करेंगे। धन्यवाद।